दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरा जितना भी वीडियो था पहले आप सबने देखा, बहुत ही अच्छा कमेंट था। अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कमेंट आया था कि सर इस टॉपिक पे बनाइए, कोई कुछ टॉपिक पे। कुछ लोगों ने तो ऐसा बोला कि सर मोटिवेशनल वीडियो बनाइए। तो मैं आपसे मेक श्योर करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके पास आपके सामने हर तरह का वीडियो बना के लेके आऊँगा, क्योंकि वह स्टेप बाई स्टेप अगर वीडियो बना के लेके चलें ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी आपको जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ आपको डिलीवर कर पाऊँ। ओके, इस बार का जो टॉपिक है वो बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही यूनिक है, क्योंकि अभी तो जितने भी YouTube पे सेफ्टी रिलेटेड यूट्यूबर हैं, जो टीचर हैं, पढ़ाने वाले हैं लोग, वो इस टॉपिक पे वीडियो शायद नहीं बनाए हैं। इस बार का जो टॉपिक है आप सबको जानना चाहिए, हम डे टू डे लाइफ में करते भी हैं लेकिन हम उसको जानते नहीं। इस बार का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होता क्या है, कब करते हैं, किसके लिए करते हैं और कहाँ करते हैं, ये तीन चीज का बहुत जरूरी है कि ये है क्या चीज और उसका यूज कहाँ होता है, हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल है, इन सब चीजों को हम आज जानेंगे। तो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का या कॉम्पिटेंसी टेस्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट का मतलब होता है जांचना और कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है योग्यता। योग्यता जांचना एक तरीका होता है किसी चीज को परखने का कि हम क्या। तो ये करते क्यों है, सबसे पहली बात कि क्यों करते हैं, किसी चीज को करने के लिए हमें रीजन जरूरी है, किसी चीज के करने के लिए हमें रीजन जरूरी होता है। कोई भी चीज करते हैं, एक्स वाई जेड अगर हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे रीजन जरूर होता है, बिना रीजन का हम कुछ भी नहीं करते। तो हमारा कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करने का रीजन क्या होता है, उसके दो रीजन होते हैं। एक तो हमें जिसका ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, जिसको हम बताने जा रहे हैं, वो कितना कॉम्पिटेंट है, उसकी योग्यता जानना जरूरी है कि हम वो कितने लेवल तक है। ठीक है, तो ट्रेनिंग देने से पहले, कुछ चीज बताने से पहले उसके बारे में जांचना कि वो कितना योग्य है, वो हमारे लिए जरूरी है कि उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी या लेवल जो उसका योग्यता का कितना लेवल है वो जानना जरूरी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम फिर ट्रेनिंग दें, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि जब हम ट्रेनिंग दे लेते हैं, जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं या कुछ बता देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो कितना ट्रेनिंग को समझ पाया वो हमें जानना जरूरी है, कितना ट्रेनिंग को समझ पाया वो जानना जरूरी है। अगर वो चीजों को समझ पाया एक सर्टेन एवरेज लेवल से ऊपर, 60-70% उसको कैचअप कर पाया, तब तो हमारा ये जो है ट्रेनिंग सक्सेसफुल रहा। नहीं, अगर वो कैचअप नहीं कर पा रहा है तो हमको क्या करना है, फिर से उसको दोबारा ट्रेनिंग के लिए हमें उसे रिकमेंड करना है या दोबारा ट्रेनिंग उसको देना है। ओके, तो हमें क्यों दे, क्या इसका रीजन था देने के लिए, तो उसका योग्यता जानने के लिए, अगर उस योग्य नहीं है तो उसको उस लेवल का ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कॉम्पिटेंसी असेसमेंट किसको किसको किया जाता है, किसका किसका कॉम्पिटेंसी टेस्ट किसका किसका किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये जनरली एक फॉर्मेट है कि आप जो भी ए टू जेड ऊपर से लेकर नीचे तक जितने लोग आते हैं उनका सबका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट किया जाता है, सबका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट किया जाता है, आइदर वो सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, फोरमैन हो, या हायर मैनेजमेंट का हो, या वर्कर हो, हर एक किसी का कॉम्पिटेंसी असेसमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ड्यूटी वो परफॉर्म करने जा रहा है, रिगार्डिंग उससे, उस ड्यूटी से रिलेटेड वो उस नॉलेज को जानता भी है या नहीं जानता है, तो हमें उसको वो नॉलेज देनी जरूरी होती है। ओके, अब हम कब करते हैं ट्रेनिंग, जब भी वो इंटर करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है, उसी टाइम पे जब हम इंडक्शन ट्रेनिंग का जो हमारा प्रोसीजर होता है उस टाइम पे हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसी टाइम पे हम कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का जो मीडियम होता है, जैसे कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, तीन कम्युनिकेशन का मीडियम होते हैं, एक होता है रिटन, एक होता है वर्बल, एक होता है फिजिकल। ठीक है,
ये कम्युनिकेशन के तीन मीडियम होते हैं, रिटन, वर्बल एंड फिजिकल। ओके, तो मान लीजिए कोई ऑपरेटर आया, कोई इंजीनियर आया, तो हमें उसका कॉम्पिटेंसी टेस्ट करना है। तो हम एक सर्टेन पेपर देते हैं कि भैया ये पेपर है, इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर दो, उसका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर दो। तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिटन टेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसका रिटन टेस्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लिटरेट नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है। मान लीजिए कोई ऑपरेटर आया, कोई भी ऑपरेटर हो, वो बोलेगा नहीं सर मुझे तो, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं, एजुकेटेड ही नहीं हूं, ठीक है, वो एजुकेटेड ही नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, उसको निकाल तो सकते नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में परफेक्शन उसका है या नहीं वो हमको जानना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, तो उससे हम ये पूछेंगे कि भैया हम क्रेन का रेडियस कैसे मापते हैं, क्रेन का रेडियस कैसे मापते हैं, बूम परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, स्विंग कैसे होता है, क्या फिजिकली चेक करना होता है, ठीक है, लोड चार्ट क्या है, इन तरह के क्वेश्चनों का हम अगर उनसे पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। ओके, इसमें एक और आता है फिजिकल, जो मान लीजिए कि हमारा क्रेन ऑपरेशन है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। अगर क्रेन ऑपरेटिंग कर रहा है तो रिगर है, फोरमैन है, लिफ्टिंग सुपरवाइजर है, लिफ्टिंग फोरमैन है, वो अगर कोई इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेशन कुछ भी दे रहा है और उसको वो पहचान पा रहा है कि नहीं से पहचान पा रहा है, उन चीजों को जानना जरूरी है, ठीक है। कोई एक अगर वो नहीं पहचान पा रहा है तो एक्सीडेंट होने के लिए उसको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो जो भी अगर ये ऑपरेटर है और जो फोरमैन, लिफ्टिंग फोरमैन है, सुपरवाइजर है, उसे वो कम्युनिकेट करना, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना या सिग्नल देने का जो तरीका है, वो जैसे मान लीजिए कि वो बूम उठाने के लिए बोल रहा है, अगर जो लिफ्टिंग फोरमैन है वो बूम उठाने के लिए बोल रहा है और ऑपरेटर उसको जानता ही नहीं है, वो क्या करेगा, अगर बूम डाउन कर देगा तो हमें एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा सर्टिनिटी नहीं कि एक्सीडेंट होगा ही, लेकिन एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, तो ये कॉम्पिटेंसी का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि ये कॉम्पिटेंसी टेस्ट किया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स कहाँ कहाँ है, एक तो अगर वो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट किया जा रहा है तो जो चीज उसमें लैकनेस है उसको हम सुधार सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बताने के बाद हमें जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक नया स्टैंडर्ड है वो मीट कर सकते हैं। ओके, तो केवल एक वर्क से कॉम्पिटेंसी असेसमेंट नहीं होता, रिगार्डिंग थ्रू आउट, जैसे मान लीजिए इंसिडेंट, एक्सीडेंट या नियर मिस का रिपोर्टिंग है, उससे भी उसका कॉम्पिटेंस कितना कॉम्पिटेंट है, कर पाता है या नहीं कर पाता है, नॉलेज शेयरिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो सारी चीजें इसमें डिसाइड की जाती है, केवल उससे वर्क से रिलेटेड नहीं है। कॉम्पिटेंसी असेसमेंट जो है, कॉम्पिटेंसी टेस्ट, सारी चीजों को थ्रू आउट एक्टिविटी जो हमारे साइट पर ट्रेनिंग है वो पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट हो गया तो उस समय उसको क्या करना है, इमरजेंसी प्रोसीजर भी उसको कुछ याद होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम कॉम्पिटेंसी असेसमेंट में या कॉम्पिटेंसी टेस्ट में हम उसको इन्वॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉइंट है आजकल सबसे अच्छा उपयुक्त है, हम एक क्या होता है, हम कोई भी चीज, कोई अगर हम बाजार में भी जाते हैं ना, सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर हम बाजार में भी जाते हैं, एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा भी लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, टेस्ट करते हैं कि वो सही है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट। वो हमारे लिए जो उपयुक्त है वो है या नहीं है, हम जो घड़ा को बजाते हैं उस घड़ा का मापते हैं कि वो लोड ले सकता है कि नहीं ले सकता है, उसी तरह हम अपने जो वर्कमैन या वर्क फोर्स है उसका कॉम्पिटेंसी टेस्ट करते हैं कि जिस ड्यूटी के लिए उसको हम ले जा रहे हैं, आइदर ही इज कॉम्पिटेंट फॉर दैट एक्टिविटी आर नॉट, ठीक है। अगर हम लोग उसको इंजीनियर के लिए हायर कर रहे हैं तो इंजीनियर का लेवल का वो है या नहीं है, टेक्निकली तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ साइट को लेके चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज ए इंजीनियर ही हैव टू कम्युनिकेट लाइन मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट एंड डाउन साइड वर्कमैन ऑल्सो।
मतलब उसको ऊपर अपने ऊपर वाले को भी और अपने जो नीचे वाले हैं उनको भी उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। अगर कोई हेल्पर है तो हेल्पर के लायक उसके पास कॉम्पिटेंसी है या नहीं है, अपना जो उसका बॉस है, जो जो भी उस्ताद है या जो उसके जिसके साथ हेल्पर को काम करना है, वो अगर कुछ बोलता है उस चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, उस चीज़ों को जांचना परखना ही कॉम्पिटेंसी असेसमेंट कहलाता है। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरा जो वीडियो रहा आपको कितना पसंद आया प्लीज़ मुझे आप लोग बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।